तो कुछ टॉपिक आपके रह गए थे जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और कुछ रिवीजन क्लासेज हम कर लेंगे। तो ये क्लासेज मंडे टू फ्राइडे तक होंगी आपकी, ठीक? तो इसमें आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले हम जो टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक तो जो रह गया था आपका, वो टाइम सीरीज एनालिसिस है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपका थियोरिटिकल क्वेश्चन होगा और दूसरा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें पूछी जा सकती है, ठीक है? तो थियोरिटिकल क्वेश्चन मैं आपको, देखो, थियोरिटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी मैंने आपको नोट्स शेयर किए हुए हैं, वो बुक की चार पिक मैंने शेयर की हुई हैं, तो उसमें देखकर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है टाइम सीरीज और कैसे इसमें हम वर्क करते हैं, ठीक है? तो टाइम सीरीज को अगर हम डिफाइन करें तो सिंपली, अगर एनालिसिस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम टाइम सीरीज की ही बात कर लेते हैं। तो टाइम सीरीज क्या होती है? तो सिंपली टाइम सीरीज को आप कह सकते हो अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है? तो कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा जो आपने अकॉर्डिंग टू टाइम अरेंज कर लिया है, तो वो डेटा हमारा क्या है? टाइम सीरीज डेटा है, ठीक है? तो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, जैसे सपोज किसी कंपनी के प्रोडक्शन का डेटा है ना? तो आपने क्या किया, अब जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम की यूनिट यहाँ पे डिपेंड करती है, वो आप कैसे लेते हो। जनरली जो टाइम सीरीज होती है वो ईयर्स में होती है, ठीक है? इसके अलावा क्या हो सकता है, मंथ्स में टाइम सीरीज हो सकती है, डेज में हो सकती है, या वीक्स में हो सकती है ना, या आवर्स में हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, या किस तरह से आप डेटा को अरेंज करते हो। तो सपोज क्या है, कोई प्रोडक्शन है किसी कंपनी का, ये 1000 यूनिट्स में है, ठीक है? तो किस तरह से आप इसको टाइम सीरीज मानोगे, ठीक? ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिंपली आपने क्या किया, ईयर्स ले लिया, ठीक है, और प्रोडक्शन ले लिया। तो अब ईयर्स में कोई भी टाइम विंडो हो सकती है, किसी भी तरह की टाइम विंडो आप कंसिडर कर सकते हो। सपोज आपने क्या किया, 10 ईयर की एक टाइम विंडो कंसिडर कर ली, तो ये सपोज 2009 फर्स्ट ईयर हो गया, देन 2008 सॉरी देन 2010, देन 2011, 2012, 2013। तो इस तरह से आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू टाइम अपने डेटा को अरेंज कर लिया। तो ये डेटा सेट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली एक टाइम सीरीज डेटा होगा, ठीक है? प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स में है, तो सपोज 2009 में क्या प्रोडक्शन हुआ, 2000 का हुआ, देन 3000, देन 6000, देन 7, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 8, देन 9, देन 11, ठीक है? तो ये इस तरह का डेटा जो क्या है आपको टाइम के अकॉर्डिंग गिवन है, टाइम की यूनिट यहाँ पे ईयर्स है, तो ये डेटा सिंपली क्या हो गया, टाइम सीरीज डेटा हो गया। तो टाइम सीरीज डेटा तो क्लियर है सबको, क्यों? यस सर, यस सर। तो अब क्या होता है भाई, इस टाइम सीरीज में आप देख रहे हैं वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना? तो टाइम सीरीज सिंपली क्या हो गया, टाइम सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप देख रहे हैं जो टाइम सीरीज हमें यहाँ पर गिवन है प्रोडक्शन ऑफ कंपनी के टर्म्स में, ये इयर्स के अकॉर्डिंग हमें डेटा गिवन है, तो इस टाइम सीरीज में आप देख रहे हैं वेरिएशन है, ठीक है? टाइम तो टाइम विंडो तो हमारे पास 10 ईयर्स की है, ये टाइम विंडो कहलाती है जो आपका गिवन है, ये पूरी अगर इसे कलेक्टिवली हम एक टर्म कहें तो ये कहलाती है टाइम विंडो, किस टाइम विंडो में हमें डेटा गिवन है, ठीक है? तो अब देख रहे हैं प्रोडक्शन का जो डेटा है, ये प्रोडक्शन का डेटा क्या कर रहा है, ईयर टू ईयर वेरी कर रहा है।
तो ये वेरिएशंस क्यों आते हैं, इस टाइम सीरीज में ये वेरिएशन क्यों आ रहे हैं, इसका क्या रीजन है, तो इसी को एनालाइज हमें करना है। तो इसको एनालाइज करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई, जो प्रोडक्शन है, जैसे अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन को मैं वाई टी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल टर्म्स में अभी जब आगे एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर वेरिएबल टर्म्स में ही एनालिसिस होती है, तो इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्रोडक्शन हमें गिवन है, तो प्रोडक्शन को मैंने वाई टी से डिनोट कर लिया, और ये वाई टी एक्चुअल में क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टी। तो दो वेरिएबल हो गए, एक तो हो गया जो हमें ईयर गिवन है, और दूसरा जो वेरिएबल हमें गिवन है। तो ईयर्स को यानी टाइम को हम टी से डिनोट कर लेंगे, और जो वेरिएबल है उसे वाई टी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक रिजल्ट हमें मिल गया यहाँ पर, भाई वाई टी इज फंक्शन ऑफ टी। तो ये टाइम सीरीज को हम मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से डिनोट कर लेते हैं। इतना क्लियर है? सर प्लीज रिपीट वंस। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ कह रहे हैं? सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए टाइम सीरीज। क्या रिपीट करना है? सर वेरिएबल वाला पार्ट। अच्छा, देखो हमारे पास टाइम सीरीज है ना, तो आपके दो वेरिएबल होंगे यहाँ पे। एक तो ईयर हमारा वेरी करेगा, जैसे यहाँ पर ईयर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ईयर हमारा वेरी कर रहा है भाई 2009 से लेके 2019 तक। ठीक है, तो इस ईयर को हमने क्या किया, टी से रिप्रेजेंट कर लिया, टी फॉर टाइम, सिंपली टी से हमने इस टाइम विंडो को रिप्रेजेंट कर लिया। तो टी की डिफरेंट वैल्यूज है हमारे पास, टी की फर्स्ट वैल्यू है 2009, टी की सेकंड वैल्यू है 2010, इस तरह से। इसी तरह से सेकंड वेरिएबल है हमारे पास प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन भी क्या कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है ना। तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन को वाई टी से डिनोट कर लिया। ये सिंपल एक नोटेशन है कि हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल गिवन होगा उस वेरिएबल को वाई टी से डिनोट करेंगे, और टाइम को टी से डिनोट करेंगे। तो हमने कहा भाई, जो टाइम सीरीज यहाँ पर बनेगी वो टाइम सीरीज इस फॉर्म में होगी, वाई टी इज इक्वल टू एफ टी, दैट मीन्स वेरिएबल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है? यस सर अच्छा ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से इस टाइम सीरीज में वेरिएशन आ रहा है? तो कंपोनेंट्स की बात करें, तो अब कंपोनेंट्स क्या है भाई, ऐसे फैक्टर्स जो टाइम सीरीज को अफेक्ट कर रहे हैं, वेरिएशन ला रहे हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं भाई, ऐसे फैक्टर्स जो क्या करेंगे, टाइम सीरीज के वेरिएशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इन्हें जनरली हम तीन कैटेगरी, तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है ये है सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड, या इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मूवमेंट। तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट मीन्स ओवरऑल टाइम सीरीज में क्या वेरिएशन हुआ। ठीक है, ओवरऑल क्या वेरिएशन होगा भाई, या तो प्रोडक्शन ओवरऑल इंक्रीज हुआ होगा थ्रू आउट टाइम, या ओवरऑल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ होगा, या ओवरऑल कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम सीरीज को देखें तो ओवरऑल किस तरह का ट्रेंड है इसमें, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं भाई, जब शुरू हुई थी टाइम सीरीज, जब प्रोडक्शन शुरू हुआ था तो काफी कम था। ठीक है, लेकिन जब आप फाइनल स्टेज पे आ गए, लास्ट के इयर्स में आए, तो वहां पर आपने देखा भाई प्रोडक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो आप कह सकते हैं भाई इसमें किस तरह का ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी जो टाइम सीरीज है लॉन्ग टर्म में क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो उसे सिंपली हो गया लॉन्ग टर्म मूवमेंट। इतना क्लियर है? यस सर अब इसी में क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट, ये सेकेंड कंपोनेंट होता है पीरियोडिक चेंजेस। ठीक है, पीरियोडिक चेंजेस
या इसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म मूवमेंट, पीरियोडिक चेंजेज और शॉर्ट टर्म मूवमेंट। अब शॉर्ट टर्म मूवमेंट में आप देख रहे हैं भाई, शॉर्ट टर्म में आप देखें तो विद इन ईयर या इन ए स्पेन ऑफ 3 इयर्स या इन ए स्पेन ऑफ 5 इयर्स क्या चेंजेज आए हैं, ठीक है। थ्रू आउट टाइम विंडो तो हमारे पास 10 इयर्स की है, हम देख रहे हैं थ्रू आउट जो टाइम विंडो है वो 10 इयर्स की है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, विद इन ईयर या विद इन 3 इयर्स या विद इन 5 इयर्स हम देख लें कि क्या वेरिएशन आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, पीरियोडिक चेंजेस कहलाएंगे, या इसे हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से भी क्या होता है, टाइम सीरीज इफेक्ट होती है। क्या होते हैं इसे अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक चेंजेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है सीजनल, जिसे हम सीजनल वेरिएशंस कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम कह लें सीजनल वेरिएशंस। और सेकंड होता है साइक्लिक वेरिएशंस, ठीक। तो पीरियोडिक चेंजेस या शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, सीजनल वेरिएशंस और साइक्लिक वेरिएशंस। अब सीजनल वेरिएशंस को हमेशा 1 ईयर के स्पेन में देखा जाएगा, विद इन 1 ईयर क्या चेंजेज हुए हैं, और साइक्लिक वेरिएशन को देखा जाएगा स्पेन ऑफ मोर देन 3 इयर्स। इसमें हम क्या करेंगे, 3 इयर्स का एक स्पेन ले लेंगे या 5 इयर्स का एक स्पेन ले लेंगे या 7 इयर्स का एक स्पेन ले लेंगे, और उस पीरियड में देखेंगे कि टाइम सीरीज में क्या वेरिएशंस आए हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट दो तरह के हो गए, फर्स्ट वन इज सीजनल वेरिएशन, जिसे आप विद इन 1 ईयर इंस्पेक्ट करोगे, विद इन 1 ईयर चेक करोगे, और दूसरा है साइक्लिक वेरिएशंस, जिसे आप किसी 3 ईयर के स्पेन में या 5 ईयर के स्पेन में या 7 ईयर के स्पेन में देखोगे कि क्या वेरिएशंस हैं, ठीक है। और थर्ड और लास्ट ये होता है रैंडम और इररेगुलर वेरिएशंस। तो तीन तरह के कंपोनेंट हैं टाइम सीरीज में, फर्स्ट वन इज ट्रेंड, इसे हम सिंपली ट्रेंड भी कहते हैं, या सेकुलर ट्रेंड इसे आप कहोगे, या फिर लॉन्ग टर्म मूवमेंट। और सेकंड है पीरियोडिक चेंजेस और शॉर्ट टर्म मूवमेंट, जिसमें दो तरह से हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म मूवमेंट को। फर्स्ट वन इज विद इन 1 ईयर मूवमेंट क्या है, दैट मीन्स सीजनल वेरिएशंस क्या हैं, और इन ए स्पैन ऑफ मोर देन 3 इयर्स उसमें क्या वेरिएशंस हैं, तो वो साइक्लिक वेरिएशंस होगा। और थर्ड वन है यानी लास्ट जो है वो है रैंडम और इररेगुलर वेरिएशन। अब कुछ वेरिएशंस ऐसे भी होंगे जिसे आप मीजर नहीं कर पाओगे, जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, है ना, तो वहां पर वो क्या है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, तो उस केस में हम उसे कह देंगे भाई वो क्या है, रैंडम वेरिएशंस है। तो इतना क्लियर है सबको, कंपोनेंट क्लियर है सबको। यस सर। तो अब जैसा मैंने ट्रेंड बताया, ट्रेंड में आप देखते हो लॉन्ग टर्म मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो ट्रेंड में आपने टाइम सीरीज देखी कि ओवरऑल क्या वेरिएशन आया, तो ट्रेंड क्या हो सकता है, तीन तरह से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं भाई ये ट्रेंड क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है। इन केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा भाई, शुरू में तो जैसे अगर प्रोडक्शन की ही बात करें तो शुरू के ईयर्स में प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन जब फाइनल स्टेज में आ गया, लास्ट के ईयर्स में आ गया, तो वहां पर प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम कह देंगे भाई इस टाइम सीरीज में क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जैसे अगर आप सेल्स ऑफ लैपटॉप की बात करो, तो सेल्स ऑफ लैपटॉप 2010 में बहुत कम रहती थी, अब आज के टाइम पे क्या है, बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो अगर आप इस टाइम सीरीज को एनालाइज करोगे लॉन्ग टर्म मूवमेंट में, कि आप देखना चाहते हो भाई सेल्स ऑफ लैपटॉप थ्रू आउट 2010 टू 2021 क्या रही, तो आप कहोगे भाई ये ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह से ट्रेंड क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो वैल्यूज किसी वेरिएबल की शुरू में थी, वही मिड में भी हैं, वही लास्ट में भी हैं, तो आप कहोगे भाई ट्रेंड आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से ट्रेंड क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। डिक्री तो तीन तरह के ट्रेंड आप जनरली देखते हो टाइम सीरीज में, इंक्रीजिंग ट्रेंड, कांस्टेंट ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम है भाई, हम पता कैसे करेंगे
कि हमारा ट्रेंड इंक्रीजिंग है, ट्रेंड कांस्टेंट है या ट्रेंड डिक्रीजिंग है। तो इस ट्रेंड को मीजर करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, जनरली चार मेथड हैं। तो वो चार मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो सिलेबस है वो इसी पे बेस्ड है कि भाई टाइम सीरीज क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इस ट्रेंड को कैसे हम मीजर करते हैं। ठीक है, तो ये चार मेथड हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन आगे। तो अभी ट्रेंड तो क्लियर हो गया। ट्रेंड तीन तरह से हो सकता है, यानी लॉन्ग टर्म मूवमेंट तीन तरह से हो सकते हैं। भाई लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, टाइम सीरीज इंक्रीजिंग हो सकती है, टाइम सीरीज कांस्टेंट हो सकती है, टाइम सीरीज डिक्रीजिंग हो सकती है। क्लियर। अब जो ओके सर, सेकंड सेकंड और इम्पोर्टेंट है ये है पीरियोडिक चेंजेस। तो पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं? तो पीरियोडिक चेंजेस में देखिए हमने बात करी, दो तरह के चेंज हो सकते हैं। पीरियोडिक चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये दो तरह से हो सकते हैं। पहला सीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं और दूसरा साइक्लिक साइक्लिकल। वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेल्स ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, सेल्स ऑफ अम्ब्रेला की बात करोगे तो अब सपोज हम एक टाइम सीरीज कंसिडर कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक ग्राफ पेपर आप ले लो सिंपली। तो इसमें हम क्या करते हैं, टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेल्स यानी जो वेरिएबल वाई है इसे वाई एक्सिस के अलोंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अब हमने टाइम में क्या ले लिया, सपोज यहाँ जनवरी ले लिया और यहाँ एंड पे हमने दिसंबर ले लिया। ठीक है, ये विद इन वन ईयर। अब मैंने बताया था आपको सीजनल वेरिएशंस क्या होंगे, हमेशा विद इन वन ईयर देखे जाएंगे, विद इन वन ईयर टाइम सीरीज में क्या चेंजेस हुए हैं। तो विद इन वन ईयर में आप वीकली कंसिडर कर सकते हो, मंथली कंसिडर कर सकते हो, क्वार्टरली कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो अब सपोज मैं मंथली कंसिडर कर रहा हूँ डेटा को, तो आप देखोगे भाई जनवरी फरवरी और मार्च में या अप्रैल तक या मई तक हम बात करें तो सेल्स हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन जून के बाद क्या होगा, एकदम से सेल में चेंज आ जाएगा। सेल में क्या होगी, सेल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। देन आप देखोगे सितंबर के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होगा, तो फिर से अपने पुराने पैटर्न पे आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो टाइम सीरीज है ये टाइम सीरीज में क्या हुआ है, विद इन वन ईयर चेंज हुआ है ना। अब ये किसकी वजह से हुआ, ये ऑब्वियस है भाई, ये सीजन की वजह से हुआ है। आप देख रहे हो भाई रेनी सीजन में क्या हुआ है, रेनी सीजन में सेल्स ऑफ अम्ब्रेला क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। होता है ऐसा, यस है ना। यस सर, तो क्लियर है सीजनल वेरिएशंस क्या है। यस सर, अब सीजनल वेरिएशंस क्या होते हैं, दो तरह से डेवलप होते हैं सीजनल वेरिएशन। पहली कंडीशन क्या है सीजनल वेरिएशंस की, इसको हम क्या देखेंगे, विद इन वन ईयर हम कंसिडर करेंगे, विद इन वन ईयर क्या चेंजेज हुए हैं। अब सीजनल वेरिएशंस क्या होते हैं, दो तरह से हो सकते हैं। एक तो होगा ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, अब जैसे यहां पर है नेचुरल फोर्सेस की वजह से चेंज हो रहे हैं। दूसरा हो सकता है ड्यू टू मैन मेड कन्वेंशंस। अब मैन वेट कन्वेंशंस की बात करें तो जैसे ज्वेलरी की बात, हम सेल्स ऑफ ज्वेलरी की बात कर लें तो सेल्स ऑफ ज्वेलरी आप देखोगे भाई क्या होता है, अप्रैल मई में इंक्रीज हो जाती है और नवंबर दिसंबर में इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, शादियों का सीजन है ना। तो अब नाम में ही आ रहा है भाई, शादियों का सीजन है। अब ये शादियां क्या है, मैन मेड कन्वेंशंस है। ठीक है, तो वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, जो सीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं, ये सीजनल वेरिएशंस दो तरह से हो सकते हैं। एक तो ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस और दूसरा मैन मेड कन्वेंशंस। तो क्लियर हो गया सीजनल वेरिएशंस क्या होते हैं। यस सर, तो इसकी मैंने नोट्स आपको शेयर किए हैं, वो आप प्रिपेयर कर लेना, आप समझ में तो आ गया होगा। थोड़ा बहुत आप खुद से भी लिख सकते हो और थोड़ा बहुत डिटेल में नोट्स आप प्रिपेयर करके उससे नोट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज टाइम सीरीज एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो कंपोनेंट टाइम सीरीज क्या है, वो तो सिंपल एक लाइन में आप लिख लोगे। देन कंपोनेंट की बात आएगी तो तीन कंपोनेंट आपको डिस्कस करने होते हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म मूवमेंट, सेकंड वन इज पीरियोडिक चेंज, सॉरी सेकंड वन इज शॉर्ट हाँ टर्म एंड पीरियोडिक चेंजेस, सीजनल, एंड थर्ड वन इज रैंडम और सॉरी इरेगुलर इरेगुलर। मूवमेंट्स। ठीक है, तो अब रैंडम और इरेगुलर मूवमेंट्स, अब सॉरी इसमें अभी एक और रह गया था, साइक्लिक वेरिएशन क्या होते हैं। सीजनल वेरिएशंस क्लियर है सबको। अब साइक्लिक वेरिएशंस में क्या होगा, ये स्पैन होगा हमारे पास, स्पैन ऑफ सपोज 5 इयर्स। तो साइक्लिक वेरिएशंस में जनरली जो हम बात करते हैं वो बिजनेस साइकिल की बात करते हैं। कोई भी बिजनेस है तो
तो उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइकिल होता है। अब ये आप मेरे से ज्यादा इसको जानते होंगे, ठीक है, आप मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस है, तो बिजनेस क्या होता है, जैसे अगर हम इसको इसी ग्राफ पेपर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इस तरह की कंडीशन होती है बिजनेस में। भाई पहले प्रॉस्पेरिटी आती है ना, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी आती है, फिर अगेन प्रॉस्पेरेशन आता है। तो ये जो टाइम विंडो होती है, ये टाइम विंडो क्या होती है, मोस्टली 7 ईयर्स या 5 ईयर्स की टाइम विंडो होती है। होता है ऐसा, ये पढ़ा है आप लोगों ने, यस है ना। तो इसमें ये अलग अलग टर्म्स होती हैं, जैसे एक तो प्रॉस्पेरिटी होती है जिसे पीरियड ऑफ बूम कहते हैं, देन रिसेशन होता है, देन डिप्रेशन होता है, देन रिकवरी होती है ना। तो ये जो पीरियड होता है, कहाँ से कहाँ तक, ये शुरू करने से लेके रिकवरी तक का जो पीरियड होता है, ये स्पेन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स या 5 ईयर्स का होता है। तो कोई भी बिजनेस जब आप करते हो, तो उसमें पहले प्रॉस्पेरिटी आएगी, देन रिसेशन आएगा, देन डिप्रेशन हो जाएगा, है ना, नेगेटिव ग्रोथ होगी, देन क्या होगा, रिकवरी होगी। तो इस तरह का जो ये साइक्लिक वेरिएशन, अगेन फिर ऐसे ही होगा, फिर अगले 7 पीरियड में आप देखोगे फिर से इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा होगा। भाई फिर से प्रॉस्पेरिटी आएगी, देन कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे कि रिसेशन होगा, देन फिर डिप्रेशन हो जाएगा, देन फिर उसके बाद रिकवरी होगी, फिर अगेन ये नेक्स्ट क्या होंगे, 7 ईयर्स का फिर से ये एक पीरियड होगा। तो आप देख रहे हैं भाई 7 ईयर्स में क्या हो रहा है, एक जैसा फिनोमेना रिपीट हो रहा है ना। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, साइक्लिक वेरिएशंस कहलाते हैं। तो ये क्लियर है सबको। यस सर अब नेक्स्ट और लास्ट जो है, रैंडम मूवमेंट्स हैं, है ना। तो रैंडम मूवमेंट्स को भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे सपोज हम बात करें नंबर ऑफ टूरिस्ट की, बात करें नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग इन उत्तराखंड, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो एक टाइम विंडो में ले लेता हूँ, सपोज 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15 एंड 16। सपोज 7 ईयर्स का मैंने ये डेटा ले लिया, 2010 टू 2016। अब नंबर ऑफ टूरिस्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टूरिस्ट इन थाउजेंड्स की बात कर लें, तो 2010 में सपोज क्या था, 60,000 टूरिस्ट आए, 2011 में 80,000 हुए, 2012 में 90,000 हो गए, फिर इसमें 95,000 हो गए, देन 2014 में आपने देखा तो क्या हुआ, ये 40,000 हो गए, देन 2015 में 50,000 हुए, देन 60,000 हुए, है ना। तो इस तरह का टाइम सीरीज है। तो आप देख रहे हैं भाई इसमें भी क्या है, वेरिएशंस हैं, है ना। तो अब ये वेरिएशंस यहाँ पर क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट में लॉन्ग टर्म वेरिएशन हो सकते हैं, सीजनल वेरिएशन हो सकते हैं, साइक्लिक। अब सीजनल वेरिएशन देखना है, जैसे 2011 में देखना है कि 80,000 हुआ है, तो सीजनल वेरिएशंस के लिए सिंपली आप देखोगे भाई मंथ वाइज अगर डेटा देखोगे, तो आप देखोगे मई जून में ये डेटा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना, एज कम्पेयर टू जनवरी और दिसंबर। क्लियर। तो इसी तरह अब मई जून में क्या होता है, नंबर ऑफ टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, है ना। तो सीजनल वेरिएशन भी क्लियर हो गया। साइक्लिक वेरिएशन में क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, विद इन 7 ईयर का स्पान या विद इन 5 ईयर का स्पैन देखोगे उसमें क्या रिपीटेशन हो रहा है, ठीक। अब जब इररेगुलर कंपोनेंट की बात आएगी, तो इररेगुलर कंपोनेंट में आप देख रहे हैं भाई 2013 तक तो ट्रेंड हमारा क्या था, इंक्रीजिंग था, लेकिन अचानक से 2014 में ये ट्रेंड में बहुत डिक्रीमेंट आ गया। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? सर, फ्लड वगैरह की वजह से? हाँ सर फ्लड हाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2013 जून 2013 में क्या हो गया, केदारनाथ में फ्लड आ गया, है ना। अब ये फ्लड क्या है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, क्लियर है, ये बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, जैसे फ्लड हो गया या अर्थक्वैक हो गया या कोई और जैसे वार हो गया, है ना। तो ये क्या है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी टाइम सीरीज में वेरिएशंस आते हैं। तो इन फैक्टर्स को हम कह देते हैं रैंडम फैक्टर्स, और इनकी वजह से आने वाले वेरिएशंस को हम कह देते हैं रैंडम वेरिएशंस और इररेगुलर वेरिएशंस। तो क्लियर हो गया रैंडम वेरिएशंस क्या होते हैं, इररेगुलर वेरिएशंस क्या होते हैं। यस तो ये नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं, उसे आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन करोगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो ये तो था कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, अब नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज।
तो ये एनालिसिस क्या होती है टाइम सीरीज की? तो सिंपली हमने क्या करना है एनालिसिस में, एनालिसिस की बात की जाए तो हमें आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड मीजर देम। एनालिसिस की बात होगी तो सिंपली हम एनालिसिस में क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हम कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, तीन तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, देन उनको क्या करना है मीजर करना है, यानी उनकी वजह से कितना वेरिएशन डेटा में आ रहा है। ठीक, तो ये एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है सिंपली। तो इसके लिए हम दो मॉडल यहाँ पर डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडल में दो तरह के मॉडल होंगे हमारे पास, एक तो होगा एडिटिव मॉडल और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है, अब क्या होता है मॉडल देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म मूवमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट ट्रेंड को हम टी से डिनोट करते हैं, टी स्मॉल टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कह लें, तो टी टी हमारा क्या है, ट्रेंड है। ठीक, सीजनल वेरिएशंस को हम एस से डिनोट करेंगे, इसे एस टी कह सकते हैं। देन साइक्लिक वेरिएशंस हमारे पास है, इसे सी टी से डिनोट कर लेते हैं। देन रैंडम मूवमेंट, रैंडम कंपोनेंट्स हैं, उसे आर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं कंपोनेंट की वो थ्री हैं, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, शॉर्ट टर्म मूवमेंट एंड इररेगुलर मूवमेंट्स। और शॉर्ट टर्म मूवमेंट में हमारे पास दो केस हैं, सीजनल एंड साइक्लिक। तो टोटल हमने कितने कंपोनेंट यहाँ पर बना लिए, चार कंपोनेंट बना लिए, एक तो हो गया लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, दूसरा हो गया सीजनल कंपोनेंट, तीसरा तीसरा हो गया साइक्लिक, एंड फोर्थ वन इज रैंडम। इतना ये नोटेशन सबके समझ में आ रहा है? यस सर, अब हम क्या कर रहे हैं टाइम सीरीज में भाई, इन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मीजर कर रहे हैं, है ना। तो मैं क्या मान लूं कि जो डेटा है यानी जो वाई टी है, ये वाई टी क्या करता है, इन कंपोनेंट्स पे ही डिपेंड करता है, इन्हीं कंपोनेंट से वेरिएशन आ रहा है वाई टी में। ठीक है, तो एडिटिव मॉडल में क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको, एडिटिव मॉडल में सिंपली हमें क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। हम मान के चलेंगे भाई एडिटिव मॉडल में ये अजम्पशन होगा कि ये कंपोनेंट क्या है, एडिटिव इन नेचर है, यानी इनका जो इफेक्ट होगा वो टाइम सीरीज में क्या होगा, एडिटिव होगा। क्लियर, तो ये एडिटिव मॉडल हो जाएगा। इसी तरह से हम कहते हैं भाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, जो इफेक्ट है ये टाइम सीरीज को, टाइम सीरीज में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में टाइम सीरीज हमारी इस तरह की हो जाएगी, वाई टी इक्वल टू टी टी इंटू एस टी इंटू सी टी इंटू आर टी। तो ये एडिटिव मॉडल हो गया और ये मल्टीप्लीकेटिव मॉडल हो गया। तो समझ में आ गया क्या है एडिटिव मॉडल मल्टीप्लीकेटिव मॉडल? यस सर, यस सर, ठीक है, नोटेशन थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये तो हो गए मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, बाकी यूजेज ऑफ टाइम सीरीज आप देख लेना। ठीक है, आप जो नोट्स दिए हैं उससे देख लेना, या इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो यूजेज ऑफ टाइम सीरीज। तो अब नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। अब ये तो एक क्वेश्चन पूरा हो गया आपका, ठीक है, व्हाट इज टाइम सीरीज एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स एंड डिस्क्राइब दी वेरियस मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो और मॉडल्स को डिस्कस कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो ये पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव बनता है। ठीक है, जिसको न्यूमेरिकल पार्ट्स में प्रॉब्लम है, जिन स्टूडेंट्स को, उनके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो वो आप देख लो। अब जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, जिसे हम न्यूमेरिकल पार्ट कह सकते हैं, ये है मीजरमेंट ऑफ ट्रेंड। ठीक, तो ट्रेंड को कैसे हम मीजर करते हैं, तो सिंपल है, पहला मेथड तो है ग्राफिक मेथड। ठीक है, जिसमें हम ग्राफ का यूज करेंगे, उसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है। दूसरा जो इंपोर्टेंट मेथड है, यह है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। थर्ड मेथड है सेमी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और कर्व फिटिंग। तो थर्ड मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं,
या फोर्थ मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो ये दो मेथड आपके इम्पोर्टेंट मेथड हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। बाकी जो ऊपर के दो मेथड हैं वो तो सिंपल से मेथड हैं, वो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से इन्हें कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिक मेथड। तो एक टाइम सीरीज हम कंसिडर कर लें, है ना, तो उसके बेसिस पे इन एग्जाम्पल्स को हम समझें। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ अभी, ठीक है, हमें ईयर्स गिवन है और सेल्स गिवन है, ठीक। ईयर्स में है ये 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2000, ठीक है। और सेल्स हमें गिवन है पर ईयर 76, 80, 130, 144, 138, 120, 174 एंड 190। तो ये एक टाइम सीरीज हमें गिवन है, ठीक। तो पहला मेथड है ग्राफिक मेथड। तो क्या करना है ग्राफिक मेथड में, देखो यहीं पे समझ लेते हैं। ग्राफिक मेथड में सिंपली हमें ग्राफ पेपर कंसिडर करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब ईयर्स को मैं टी ले ले रहा हूँ और सेल्स को वाई टी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग मैं क्या करूँगा, सेल्स को रिप्रेजेंट करूँगा और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यस पॉइंट्स सर, बना लिए। ये 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3 एंड 4। तो ये मैंने टाइम विंडो कंसिडर कर ली और यहाँ पर मैं वाई टी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्केल तो आप डिफाइन कर लोगे, सपोज। अब स्केल डिफाइन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमने 8 पॉइंट्स बनाए हैं ना, टी में हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं, तो मुझे वाई टी में भी 8 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस डेटा को देखूंगा, इस डेटा में मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितना है और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है ये देख लूँ, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 190 है और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 76 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 8 कर दूंगा तो मुझे ये इंटरवल मिल जाएगा। तो ये आप देख लो कितना आ रहा है, ये आएगा 90 प्लस 24, दैट इज 114 डिवाइडेड बाई 8। तो ये 8 वन ज़ा 8 3 4, 18 4 ज़ा 32, तो 14 का इंटरवल आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 15 का इंटरवल ले लें, तो अप्रोक्सीमेट 15 का इंटरवल लेंगे तो हमें 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, 75 से शुरू करते हैं, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 1 2 3 4 5 6 7, 180 एंड सर 200। हाँ सर ये कंपलसरी है, ऐसे ही लिया जाता है या हम अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी ले अपने सकते अकॉर्डिंग भी हैं? ले सकते हो, ओके ठीक सर, है।
ओके आपको सर, जो कन्वीनियंट लगता है आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, क्लियर है? यस सर, तो अब देखिए हमें क्या करना है, पॉइंट डेवलप करने हैं। तो फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर है हमारा 97, ठीक है, इसकी सेल्स कितनी है 76 है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देन 98 में 80 है, अब ये थोड़ा सा इस तरह से 98 में 80 है तो इस तरह के पॉइंट मिलेगा। देन 99 में 130 है तो ये पॉइंट हमारा यहाँ चला जाएगा। देन 144 ये पॉइंट यहाँ है। देन 138 ये आएगा। देन 120 यहाँ कहीं आएगा। देन 174 यहाँ कहीं आएगा। देन 190 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने पॉइंट बना लिए, इनको इस तरह से स्ट्रेट लाइन से आप कनेक्ट कर दो। तो ये हमारा ग्राफिक मेथड हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ में क्या हो रहा है भाई, ओवरऑल आप देख रहे हैं ये किस तरह का ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो आप बता सकते हैं इस केस में ट्रेंड हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है ग्राफिक मेथड, सबको समझ में आ गया? यस सर, सिंपल सा मेथड है, क्यों? यस सर, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेमी एवरेज मेथड, ठीक है। तो सेमी एवरेज मेथड भी बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, अपनी जो टाइम विंडो है इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब टाइम विंडो देखो, टाइम विंडो में कितने ईयर्स हैं, टाइम विंडो में ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट। अब इस केस में इवन ईयर्स हैं तो इवन ईयर्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट फर्स्ट पार्ट आपका ये बनेगा, ठीक है, 1997 टू 2000, और दूसरा पार्ट बनेगा 2001 टू 2004। क्लियर है? यस सर, क्या करना है सेमी एवरेजेस में, नाम से ही पता चल रहा है सेमी एवरेज, दो एवरेज कैलकुलेट करने हैं आधे आधे। तो टाइम विंडो को क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर ऑड पॉइंट्स होते, ऑड ईयर्स होते तो एक ईयर यहाँ पे सेंटर वाला वो छूट जाता, उसे आप छोड़ देते, ठीक है। यहाँ पर इवन पॉइंट्स हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या करोगे, इन चार वैल्यूज का, इन चार ईयर्स के लिए इन चार वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करोगे, इसे आप फर्स्ट एवरेज कहोगे या X1 बार कहोगे, ठीक है। तो X1 बार क्या हो जाएगा, सिंपली 76 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 4, 4 ईयर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो X1 बार कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली X2 बार हम कैलकुलेट करेंगे तो X2 बार हो जाएगा 138 प्लस 120 प्लस 174 प्लस 190 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कैलकुलेशन आप करो, बताओ कितना आ रहा है, फर्स्ट मीन कितना आ रहा है, सेकंड मीन कितना आ रहा है, ये कैसे कर रहा हूँ, सबके समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? सिंपल यस सर, सी कैलकुलेशन है, आपको जो टाइम विंडो गिवन है उस टाइम विंडो को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, एक सेकंड पार्ट हो जाएगा। देन फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करो, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट की वन, वैल्यूज का मीन, यानी इसकी वैल्यूज हैं ये 76 टू 144, तो इनका एवरेज मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से सेकंड पार्ट की वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है ये बताओ मुझे, फर्स्ट मीन कितना आएगा, 107.5 107.5, और फाइव सेकंड पार्ट का मीन, सेकेंड पार्ट का मीन कितना आएगा, सर, 156.75 156.7,75 ठीक है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन समझ में आ गई यस सर, है, यस सर। सबके समझ में आ गई ना ये कैलकुलेशंस? सर इसमें एक चीज और, इसमें तो हमारे 8 इयर्स दिए हुए हैं, अगर मे बी अगर क्वेश्चन में 9 इयर्स दिए होंगे तो कैसे इसको वेरीफाई हाँ, तो जो करेंगे? मिडिल ईयर होगा ना उसे आप लीव कर दो, उसे छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, ओके सर, क्लियर है। अगर 9 ईयर्स हैं तो 9 ईयर्स को जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 4.5 ईयर्स का एक स्पेन बनेगा। 4.5 ईयर्स मीन्स 4 ईयर्स पहले
और 4 ईयर्स लास्ट के, तो बीच का ईयर आपका छूट जाएगा, उसे स्किप कर दोगे। क्लियर? सर स्किप करेंगे तो उसका कोई रोल नहीं होगा। नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके सर। इतना कैलकुलेशन सबके समझ में आ गया। यस सर। अब देखो, ग्राफ पेपर पकड़ो, ग्राफ पेपर हमने बनाया है यहाँ पर, देखो इसी डेटा के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, जो X1 बार है, ये X1 बार क्या है, इन 4 ईयर्स पे बेस्ड है, इन 4 ईयर्स पे बेस्ड है, और इन 4 ईयर्स की मिड वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, 1998 और 1999 के बीच में होगी। क्यों? यस सर। तो आप क्या करो, 1998 और 1999 के बीच में इस X1 बार के पॉइंट निकालो। X1 बार का पॉइंट कितना है, 107.50। तो 1998 टू 99 पे 107.5, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमने ले लिया। ये पॉइंट कैसे मैंने निकाला, समझ में आया सबके? यस सर। जो ये एवरेज है, ये एवरेज 4 ईयर्स पे बेस्ड है। अब इस 4 ईयर की मिड वैल्यू हम लेंगे ना, क्योंकि हमने 4 ईयर्स का एवरेज कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर हम 4 ईयर्स की मिड वैल्यू लेंगे। तो 4 ईयर्स की मिड वैल्यू क्या होगी, ये मिड वैल्यू 1998 और 1999 के बीच में कहीं आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मेरा कितना आ गया, 107.5, यहाँ कहीं होगा सपोज। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हमें निकालना है X2 बार, ये है 156.75। अब ये कहाँ पे निकलेगा, सर सेकंड पार्ट के मिड में सर सेकेंड पार्ट में कहां पर आएगा? 2000 2000 और 2000 हाँ, के टू बीच। थाउजेंड टू और 2003 के बीच में। तो ये 2002 और 2003 यहाँ पर है, इसके बीच में ये वैल्यू है 156.75। तो 156.75 ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा। क्लियर? यस सर। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो आप देखोगे भाई, ये इस तरह की लाइन आपको मिलेगी। मिल रही है? यस सर। ये लाइन कहलाती है ट्रेंड लाइन। क्लियर? यस सर। और आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन किस तरह की है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। तो हम कह देंगे भाई, यहाँ पर डेटा क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड का है। ठीक है, तीन तरह की ट्रेंड लाइन हो सकती है। ट्रेंड लाइन क्या हो सकती है, तीन तरह से हो सकती। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब देखो क्या होता है, अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन अगर इस तरह की है, इस तरह की ट्रेंड लाइन है, तो हम कहेंगे ट्रेंड लाइन क्या है, कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंट ठीक है, इस तरह की ट्रेंड लाइन है तो हम कहेंगे ट्रेंड लाइन क्या है, इंक्रीजिंग 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 है, और इस तरह की ट्रेंड लाइन है तो हम कहेंगे ट्रेंड लाइन क्या है, डिक्रीजिंग। ये स्ट्रेट लाइन हो गई है। थोड़ा सा इसको आप देख लेना, स्ट्रेट लाइन होती है, तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। ठीक, यस सर। तो दो मेथड क्लियर हो गए सबको, बहुत सिंपल मेथड है। क्यों? यस हाँ, सर। एक क्वेश्चन था सर, उसमें ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए पूछे थे सर। क्या हुआ है? एक क्वेश्चन था इसी टॉपिक का, तो उसमें ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए था। हाँ, ट्रेंड वैल्यूज अभी जो थर्ड मेथड है ना, उसके बेसिस पे आप फाइंड करोगे। ठीक है, ओके सर। हेलो। यस सर। ओके। तो ये तो हो गया, इतना क्लियर हो गया सबको। यस सर। तो अब एक और मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, एक मेथड हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मेरी फिर नेक्स्ट क्लास है, तो तब तक आप ये नोट्स जो आपको मैंने दिए हैं, ये प्रिपेयर कर लेना। ठीक, ओके सर। अब हम फोर्थ मेथड डिस्कस कर लेते हैं, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, कर्व फिटिंग वाला कल देखेंगे, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, तो ये मेथड भी सिंपल है। ठीक है, मूविंग एवरेजेस में जनरली हम क्या करते हैं, के ईयर्स मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, के ईयर्स मूविंग
एवरेज, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको 3 इयर्स कैलकुलेट करना है, 5 इयर्स कैलकुलेट करना है, 7 इयर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपली हमने क्या किया, ये हमारी टाइम विंडो हमने ले ली, यहाँ YT ले लिया, ठीक है। तो ये टाइम विंडो है 1997, 98, ठीक। तो अब मूविंग एवरेज में सपोज आपसे कहा गया भाई 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो, तो क्या होता है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, सिंपली क्या करोगे, तीन तीन ईयर का पेयर बनाओगे, उनका एवरेज कैलकुलेट करोगे। जैसे फर्स्ट मूविंग एवरेज होगा आपका इन 3 ईयर्स का, इन 3 ईयर्स का एवरेज, ठीक है। देन नेक्स्ट 3 ईयर्स का मूविंग एवरेज ये इन ईयर्स को कंसिडर करोगे, देन नेक्स्ट का इस तरह से, देन नेक्स्ट का इस तरह से। क्या करना है, पहले वाले को एक वैल्यू पहले छोड़नी है, एक वैल्यू आगे की ऐड करनी है। क्लियर है मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज क्लियर है सबको? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ बता रहा हूं, देखो सिंपली यहां पर क्या करोगे, 3 ईयरली मूविंग टोटल निकालोगे, ठीक है, या सीधे मूविंग टोटल भी इतना नहीं जाना है, डिटेल में नहीं जाना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है सपोज। तो क्या करेंगे, पहले इन 3 ईयर्स को कंसिडर करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। तो फर्स्ट मूविंग एवरेज होगा 76 प्लस 80 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। देन सेकेंड मूविंग एवरेज निकालेंगे, तो सेकेंड मूविंग एवरेज में क्या करेंगे, 82 144, हमने क्या किया, इसको स्किप कर लिया और इसको ऐड कर दिया, समझ में आया। तो नेक्स्ट मूविंग एवरेज हो गया 80 प्लस 130 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 3, 3 ईयर पे बेस्ड है, 3 ईयरली मूविंग कैलकुलेट करना। इसी तरह से अगर 5 ईयरली करना होता तो फिर क्या करते, 5 ईयर की वैल्यूज को कंसिडर करते। क्लियर? यस सर। इसी तरह से नेक्स्ट मूविंग एवरेज क्या होगा, फिर नेक्स्ट मूविंग एवरेज में 80 हट जाएगा और 138 ऐड हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 130 प्लस 144 प्लस 138 डिवाइडेड बाय 3। देन नेक्स्ट हो जाएगा 144 प्लस 138 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3। देन 138 प्लस 120 प्लस 174 डिवाइडेड बाय 3। देन 120 प्लस 174 प्लस 190 डिवाइडेड बाय 3, तो लास्ट वैल्यू कंसिडर हो गई, तो ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएंगे इस तरह से। तो क्लियर हो गया सबको मूविंग एवरेज क्या है? यस सर। यस सर। सर 5 ईयर का भी ऐसे ही होगा, उसमें भी तो अब एक जो एक या लास्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मेथड ऑफ कर्व फिटिंग। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, जैसे रिग्रेशन हमने पढ़ा था वहां पर, तो रिग्रेशन में रिग्रेशन लाइंस हमने फाइंड करी थी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी वर्क करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये हम कल की क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इसे, तो अभी इतना करते हैं, क्यों?